आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी ने बुलाया मंजरी को दीदा तो भड़क गई मंजरी। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीर बुलाने वाला है मंजरी को अपनी दीदा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताएंगे हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां एक और अभिमन्यु को पता चल जाने वाला है अभीर का सच, तो वहीं दूसरी ओर ये सारी बातें सुन लेगा अभीर। जी हाँ, अभीर को भी पता चल जाएगा कि अभिमन्यु यानी कि डॉगमैन ही उसके असली पापा हैं। इन सभी चीज़ों के बाद अभीर उठाने वाला है एक बड़ा कदम। अभीर और रूही एक साथ बात करते हैं और दोनों को मिठाई खाने का मन करता है, तभी वहाँ पहुँच जाती है मंजरी। जी हाँ, उसके बाद अभीर मंजरी से बोलता है कि दीदा प्लीज़ मुझे मिठाई दे दो। ये सुन के मंजरी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, जिसके बाद अभीर कहता है कि हाँ, आप मेरी ही दीदा हो, मुझे सच पता चल गया है, और कोई नहीं बल्कि आप ही मेरी असली दीदा हो। और अभीर मंजरी को दीदा बोल बोल के कहता है कि आप मुझे प्लीज़ मिठाई दे दो, रूही की तरह आप भी मेरी ही असली दीदा हो। ये सब सुन के मंजरी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और मंजरी कहती है कि मैं तुम्हारी दीदा विदा नहीं हूँ, तुम जाओ अपनी माँ के पास, मैं सिर्फ रूही की दीदा हूँ। जी हाँ, अभीर के दीदा कहने पे मंजरी काफ़ी ज़्यादा भड़कने वाली है और ये कहती है कि मैं कोई दीदा विदा नहीं हूँ, तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं सिर्फ मेरी रूही की दीदा हूँ। अभीर को सच पता लग गया है, जहाँ एक और अभीर काफ़ी ज़्यादा शौक भी है तो वहीं दूसरी ओर कुछ खुशी भी है अभीर को, क्योंकि उसके डॉगमैन ही उसके असली पापा हैं, उसके साथ उन्हें अलग ही कनेक्शन फील होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किस मोड़ पे जाने वाली है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको कैसी लगती है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।